नमस्कार, रमास्टर की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल का हलवा। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम मूंग की दाल। इसे मैंने 4 से 5 घंटे पहले पानी में भिगो कर रखा था और मैंने इसका पानी निकाल दिया है और दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और हमने 100 ग्राम चीनी लिया है और 100 ग्राम हमने मावा लिया है। 1 कप हमने दूध लिया है। 50 ग्राम हमने घी लिया है। 5 से 6 इलायची और 2 लौंग को हमने कूट कर रखा है। और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, गरी और छुहारे। ये अपनी इच्छा अनुसार आप डाल सकते हैं। और अब हम सबसे पहले दाल को पीसेंगे। दाल को हम पीसेंगे मिक्सर जार में। इसके अंदर से हम डालेंगे और इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, जरूरत होगी तब 1 चम्मच पानी इसके अंदर डाल लेंगे। दाल को पीस कर तैयार कर लिया है। हमने इसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल दिया था और इसे हमने मोटा पीसा है। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है। और हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर घी डालेंगे। घी डाल दिया है और घी हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर हम दाल को डाल देंगे। हम और इसे हम मीडियम आंच पर भूनेंगे। इस तरीके से इसे हम अच्छे से गुलाबी होने तक इसी तरीके से भूनते रहेंगे। इसे मिलाते हुए घी में इसे हमें भूनना है। इसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है और हमारी दाल अभी भून करके बिल्कुल भरभरी हो जाएगी, अलग अलग बिल्कुल हो जाएंगे सब। और इसको भूनने में हमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको मीडियम आंच पर हमको बराबर चलाते रहना है और इसे भूनना है। हमने दाल को 10 मिनट तक भून लिया है और ये बिल्कुल अलग हो चुकी है, भरभरी हो गई है दाल हमारी और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर हम अपने मावे को डाल देंगे। इसे हमने हल्का से भून करके रखा है और इसे भी हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसे भी हम भून लेंगे। इसे भी हमने मिलाकर भून लिया है और इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। और इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। इसे मिलाएंगे और इसके अंदर दूध को डालेंगे। और इसे हम मिला देंगे और इसे हम पकने देंगे। इसे बराबर हम चलाते रहेंगे मीडियम आंच पर, अपने हलवा को अच्छे से पकाएंगे। चारों तरफ से मिलाते हुए इसी तरीके से कलछी से हिलाते रहेंगे। अभी इसका घी अलग होने लगेगा और हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। अभी इसको हम थोड़ी देर तक इसी तरीके से चलाएंगे। देखिए
देखिए हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल कढ़ाई से चिपक नहीं रहा है। देखिए इसके अंदर हम लौंग और इलायची पाउडर इसको डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। लौंग और इलायची को हम लास्ट में डालते हैं कि इसकी खुशबू इसमें देर तक रहती है खाने तक। इसको पहले से डालने से इसकी खुशबू कम हो जाती है। और हमने मिक्स कर दिया है और उसकी हम प्लेटिंग करते हैं। गैस बंद कर देंगे। हलवे को हम गार्निश करते हैं, बादाम रखेंगे और इसमें कसे हुए नारियल, पिस्ता, बादाम डालेंगे, किशमिश और हमारा टेस्टी मूंग दाल हलवा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे जरूर ट्राई करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।